नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y20 वर्सेस Realme Narzo 50A का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Vivo Y20 में 6.47 इंच जबकि Narzo 50A में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Vivo Y20 में 3 इंच जबकि Narzo 50A में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Vivo Y20 में 0.33 इंच जबकि Narzo 50A में 0.38 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Vivo Y20 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Vivo Y20 में 192 ग्राम जबकि Narzo 50A में 207 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Vivo Y20 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Vivo Y20 में 6.51 इंचेस जबकि Narzo 50A में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Vivo Y20 में 81.57% जबकि Narzo 50A में 81.7% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Vivo Y20 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Narzo 50A की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Vivo Y20 में 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Narzo 50A की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Vivo Y20 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Narzo 50A में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Vivo Y20 में Adreno 505 जबकि Narzo 50A में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Vivo Y20 में Qualcomm Snapdragon 439 और Narzo 50A में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो Vivo Y20 में 3 GB की RAM मिलती है, जबकि Narzo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Vivo Y20 में 64 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Narzo 50A में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64 GB 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Vivo Y20 में Android V10 क्यू जबकि Narzo 50A में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Vivo Y20 में 5000 mAh जबकि Narzo 50A में 6000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Vivo Y20 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 3 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,290 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नाजो 50A की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो वीवो Y20 में 2 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme Nazo 50A की तो उसमें 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Nazo 50A आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें मोटो G60 है जो कि 17,999 रुपए में मिलता है। दूसरा शाओमी रेडमी 9 पावर है जो कि 10,499 रुपए में मिलता है। तीसरा ओप्पो A15s है जो कि 12,490 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो Y20G है जो कि 14,690 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।